स्वागत है इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन घंटे को दबाइए जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक एलोवेरा की आयुर्वेदिक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कॉमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इसको डे में यूज़ कीजिए या नाइट में यूज़ कीजिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको करीबन 7 दिन यूज़ करके तो देखिए, ठीक है। मैं जा रहा हूँ तो आप इसको ध्यान से देखिए, प्लीज़ इसको अंत तक देखिए। तो ये एलोवेरा है, इसको आप दो भाग में काट कर आप इसको जेल निकालनी है एलोवेरा, तो आप देख सकते हैं ये रही इस तरह से। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सी निकाल के बता रहा हूँ, तो आपको इस तरह से चम्मच लेके आपको एक कटोरी में निकालना। ठीक है, और इसको मिक्सी से भी आप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको घोल सकते हैं। तो और इसके अंदर आपको हल्दी डालनी है, मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इतनी हल्दी डालनी है। ये इसका आप यूज़ करोगे तो आपको करीबन या 2 दिन में ये आपको पता चल जाएगा, निखार बढ़ने लगेगा। साथ में आप इतना गोरा हो जाओगे आप सोच नहीं सकते, ठीक है। आपको मिक्स करना है, और हाँ, इसके अंदर गुलाब जल जरूर डालना है, 2-4 बूंद मैं डाल देता हूँ। जिससे कि ऑयली त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से आपको यह घोल करना है। तो ये तैयार हो गया पेस्ट, ठीक है। आप इसमें नींबू भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, नींबू और भी लाभदायक रहेगा, लेकिन नींबू आप इसमें यूज़ करते हो तो डे में यूज मत कीजिए, ठीक है। आपको नाइट में यूज़ करना है। और लगाने से पहले फ्रेंड्स, आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से फेस वाश का यूज़ करिए, बेस्ट क्वालिटी का। और फेस वाश यूज़ करके अपने चेहरे को सूती कपड़े से साफ कीजिए हल्के हल्के से, और करने के बाद में आपको इस तरह से मालिश करना, ठीक है। इस तरह से इस पेस्ट को लगाना, लगाने के बाद में फ्रेंड्स करीबन 10 या 15 मिनट आपको सूखने सूखने के बाद फ्रेंड्स अपने